और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया भाई, मेरे पास ना एक तोड़ू आइडिया है। ये आइडिया चल गया ना, मार्केट में आग लगा देंगे, समझ? और अगले ही कौन तो तेरा भाई ही बनाएगा। वही काम कर सकते हो आप, मार्केट में बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस है और अवेलेबल होते हैं आपके लिए, आप उसमें जा सकते हो। यार महंगा पड़ेगा वो, लोकेबल ऑफिस ले लेता हूँ, सस्ता भी है, काफी कम्फर्टेबल रहेगा। इक्वली पड़ता है आपको, सारा ओवरऑल कॉस्ट जीरो आ जाती है, टी कॉफी इंटरनेट भी फ्री है, इवन फ्राइडे को आपको बियर भी पिलाते हैं। तू रहने दे, मैं देख। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरएस कंसल्टेंट में। आज की डेट में इंडिया में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव आ चुकी है। अगर आपके पास भी कोई स्टार्टअप का आइडिया है और आप कंफ्यूज हैं कि उस आइडिया से कोवर्किंग स्पेस में जाएं या एक लोकेबल ऑफिस स्पेस में जाएं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड मैं आपको कोशिश करूंगा कि कोवर्किंग और लोकेबल का एक फैक्चुअल कंपैरिजन आपको दे पाए। फ्रेंड, शुरू करते हैं सबसे पहले कोवर्किंग के एडवांटेजेस से। कोवर्किंग स्पेसेस में सबसे पहला एडवांटेज ये रहता है कि इसमें आपकी कोई भी ओवरहेड कॉस्ट नहीं आती है, जैसे टी कॉफी पेंट्री का कोई आपका एक्सपेंस नहीं आता है, इंटरनेट कॉस्ट नहीं है, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, कोई आपको रिसेप्शनिस्ट हायर नहीं करनी पड़ती, कोई आपको पेंट्री बॉय हायर नहीं करना पड़ता। तो यार एक आप ऑल इंक्लूसिव पर सीट के हिसाब से किसी भी कोवर्किंग में स्पेस ले सकते हैं, 3-4 लोगों का वहाँ पे बैठ सकते हैं और इमीडिएट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ कोवर्किंग में, दिल्ली एनसीआर के एरिया में, ऑल ओवर इंडिया, तो वीवर्क, इनोवो, रीगस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेकेंड एडवांटेज जो आपको कोवर्किंग में मिलता है वो मिलता है नेटवर्किंग का। आप एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपके जैसे वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस जगह पे काम करने आए हैं, तो एक नेटवर्किंग आपको मिल जाती है। आप एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, आपको ऐप बनवानी है, आपको वेबसाइट बनवानी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो हायर चांसेस हैं कि उसी सेंटर में जहाँ पे आप बैठे हैं उसी सेंटर में आपको इस तरह के लोग मिल सकते हैं। ऐसे ही अब लॉकेबल ऑफिस की एडवांटेज की बात करते हैं। लॉकेबल ऑफिस आपको अगर आप किसी भी कोवर्किंग से कंपैरिजन करें तो कंपेरेटिवली आपको चीप पड़ता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपकी 8-9 लोगों की टीम है और आप एक बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, एक स्टार्टअप आपने अभी नया नया शुरू किया, तो किसी भी अच्छे कैंपस में, जैसे मैं अपने कैंपस की बात करूँ ऐसे टेक बिजनेस के स्टेरा में, यहाँ पे आपको 28,000 रेंट पे और मेंटेनेंस मिला के 40,000 से 45,000 रुपये मंथली आपको ये ऑफिस मिल जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूँ, हम फैक्चुअल बात करते हैं, अगर आप एक पार्ट टाइम पेंट्री बॉय रखते हैं और आपका इंटरनेट का खर्चा सब मिला के 50,000 में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर यही 8-9 सीट्स आप किसी कोवर्किंग में लेना चाहते हैं तो नेगोशिएशन करने के बाद भी 6,000 रुपीज़ या 7,000 रुपीज़ की आपको पर सीट पड़ेगी और वही फिर 63,000-70,000 तक आपका एक्सपेंस चला जाएगा। तो इसमें 8-9 लोगों की अगर आपकी टीम है तो लोकेबल आपको कोवर्किंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप पड़ेगा और ये पर मंथ की सेविंग आपकी 12 से 15 हज़ार की निकलेगी। अगर इसको आप ईयरली हिसाब लगाएंगे, सालाना आप कम से कम इसमें 1.5 लाख से 2 लाख रुपये बचा सकते हैं। लॉकेबल का एक और बेनिफिट है, देखिए लॉकेबल ऑफिस जो होता है उसमें एक सेंस ऑफ प्राइवेसी, एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। अगर आपका अपना ऑफिस है जो कि शायद कोवर्किंग में नहीं आ पाती है, तो अगर आपका जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए तो आपको फिर कोवर्किंग में कैबिन्स लेने पड़ेंगे और कैबिन्स ओपन सीट्स की बजाय कोवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो ये लॉकेबल का एक बेनिफिट है। अगर सेंस ऑफ प्राइवेसी चाहिए, साउंड प्रूफ कैबिन्स जैसे काफ़ी लोग आज की डेट में डिमांड करते हैं, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ लॉकेबल में ही मिल पाएंगी। अगर अब आप कन्फ्यूज हैं कि आपको लॉकेबल में जाना चाहिए या कोवर्किंग में जाना चाहिए, देखिए अगर आपकी टीम 3-4 लोगों की है, अभी स्टार्ट ही आपने किया है, एक बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आया है, तो आप कोवर्किंग में जाइए क्योंकि 15-20 हज़ार में आराम से आपको 4-5 सीट्स वहाँ पे मिल जाएंगी, 3-4 सीट्स मिल जाएंगी और अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी है, 10-12 लोगों की या 15 लोगों की टीम है, तो कोवर्किंग आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा और कैबिन्स और बाकी चीज़ें आप लेंगे तो एक सेंस ऑफ प्राइवेसी भी नहीं आएगी और लिमिटेड आपको कैबिन के स्लॉट्स भी वहाँ पे बुक कराने पड़ते हैं। तो अगर आपकी टीम बड़ी है 15-20 लोगों की, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लॉकेबल ऑफिस स्पेस में जाइए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपका टीम साइज कितना है, उस हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना है कि यू शुड गो फॉर अ कोवर्किंग स्पेस और अ लॉकेबल स्पेस। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ। अभी तक हमने बात करी कोवर्किंग के बेनिफिट्स की और लॉकेबल के बेनिफिट्स की। कोवर्किंग में आपकी ओवरहेड कॉस्ट नहीं होती है, आपके जो ऑफिस के अदर खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं, नेटवर्किंग एक अच्छी कोवर्किंग में आपकी बन जाती है।
लॉकेबल के बेनिफिट्स में आपको थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, स्पेशली अगर आपका टीम साइज बड़ा है, 15 से 20 लोग होगा या उससे भी बड़ा टीम साइज है तो लॉकेबल में बेनिफिट है। लॉकेबल में एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, आपका एक कंपनी का एक एड्रेस बनता है, तो ये लॉकेबल के एडवांटेज है। सो दोस्तों, आज की डेट में नोएडा ITITS का पूरे इंडिया का हब बनता जा रहा है। कंपनीज की मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, जेनपैक, बड़ी बड़ी कंपनीज नोएडा के अंदर अपने बिजनेस सेंटर बना रही हैं। और बाकी आईटी हब्स के कंपैरिजन में, गुड़गांव के कंपैरिजन में, बेंगलोर के कंपैरिजन में, यहाँ पे जो रेंटल है अभी ऑलमोस्ट हाफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन सिटीज से बेटर है, रोड वाइड्स है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, एंड पार्किंग की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं। तो अगर आप भी इस नोएडा शहर में ऑफिस देख रहे हैं अपने लिए लीज पे या परचेज के लिए, तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।